गुड मॉर्निंग बच्चों, आज सभी बच्चों आप पहले अपना अपना बुक निकाल लीजिए। आज पार्ट तीन स्वामी विवेकानंद पढ़ेंगे। आज पार्ट तीन स्वामी विवेकानंद पढ़ेंगे। सभी बच्चे अपना बुक निकाल लीजिए और बुक में एक एक पंक्तियां मैं पढ़ते जाऊंगी और आप लोग उसको दोहराएंगे। अरे नरेंद्र, चतुर भिक्षु की कहानी सुना दो। नहीं नहीं, गुरु जी आने वाले हैं, अभी तो उनके आने का समय है, जल्दी सुनाओ ना। केशव ने हट की, ठीक है सुनो। नरेंद्र कहानी सुनाने लगा। श्रोता सहपाठी कहानी सुनने में मग्न हो गए। अध्यापक ने आकर पढ़ाना शुरू कर दिया और उन्हें पता ही न लगा। अचानक अध्यापक का ध्यान कोने में बैठे उन छात्रों की तरफ गया। क्या हो रहा है वहां? मैंने जो पढ़ाया है वह सुना या नहीं? खड़े हो जाओ तुम चारों, मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। अध्यापक ने सबसे प्रश्न पूछे। नरेंद्र को छोड़कर अन्य कोई उत्तर न दे सका। शिक्षक ने कहा, नरेंद्र को छोड़कर सभी खड़े रहो, कक्षा में बातें करने का दंड तो मिलना ही चाहिए। गुरुजी मुझे भी दंड दीजिए, कहानी मैं ही सुना रहा था, नरेंद्र ने स्वीकारा। नरेंद्र की सच्चाई और ईमानदारी देखकर अध्यापक दंग रह गए। सच बोलने वाला यह बालक नरेंद्र आगे जाकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को मकर संक्रांति के दिन कोलकाता में हुआ। बचपन में उनका नाम नरेंद्र नाथ था, छोटा नाम नरेन पड़ गया। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। वे उच्च न्यायालय में वकील थे। अंग्रेजी भाषा ज्ञान और भाषण कला नरेंद्र को विरासत में मिले। उनकी माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक महिला थी। वे नरेंद्र को रामायण महाभारत के किस्से कहानियां सुनाती थी, जिससे नरेंद्र में धर्म के प्रति रुचि उत्पन्न हुई। उन पर माँ का विशेष प्रभाव रहा। उनकी बुद्धि कुशाग्र थी। वे कक्षा में प्रथम आते थे। उन्होंने छोटी उम्र में ही महान ग्रंथों का अध्ययन कर उन्हें याद कर लिया था। उनके नेतृत्व करने का अद्भुत गुण था। उन्हें व्यायाम, कुश्ती, घुट दौड़, तैराकी का भी शौक था। वे सुंदर काया और बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। नरेंद्र विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक बार स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए। अमेरिका के शिकागो शहर में विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधि अपने अपने धर्म के विषय में बताने आए थे। विवेकानंद ने भारत की ओर से अपना भाषण दिया। भाषण में उनके संबोधन भाइयों और बहनों को सुनकर सभा में तालियां गूंज उठी। अगले दिन उनके भाषण की चर्चा पूरे अमेरिका में हुई। उन्होंने अपने कार्यों और विचारों से विश्व में भारत का नाम रोशन किया। विदेश भ्रमण के दौरान एक दिन विवेकानंद ने देखा कि कुछ लड़के नदी में तैर रहे अंडे के छिलके पर निशाना लगा रहे थे। किसी का निशाना ठीक नहीं लग पा रहा था। विवेकानंद जी उनके पास गए और लगातार कई बार सही निशाने लगाए। उन लड़कों ने हैरानी से पूछा, आप ऐसा कैसे कर लेते हैं? सारे निशाने ठीक कैसे लगा लिए? तब उन्होंने कहा, अपना पूरा ध्यान काम पे लगाओगे तो सफलता जरूर मिलेगी। वे केवल एक संत ही नहीं, देशभक्त, वक्ता, विचारक, लेखक भी थे। उनका संदेश था, उठो जागो और तब तक न रुको जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए। बच्चों, इस पाठ का सुदोच्चारण करके आप पढ़ते जाएंगे। इस पाठ में स्वामी विवेकानंद के जीवन के बारे में बताया गया है, वर्णन किया गया है कि उनका जन्म जो था वो 12 जनवरी 1863 को मकर संक्रांति के दिन कोलकाता में हुआ था। वे बचपन से ही बहुत ईमानदार व्यक्तित्व वाले बालक थे और वो कभी झूठ नहीं बोलते थे। बचपन में जब कक्षा में अध्यापक पढ़ा रहे थे और वो अपने
साथियों को कहानी सुना रहे थे तो भी उन्होंने अपनी गलती को स्वीकारा कि हाँ दंड मुझे भी मिलना चाहिए क्योंकि मैं ही कहानी सुना रहा था और बाकी साथी तो मेरा कहानी सिर्फ सुन रहे थे। तो मतलब गलत काम तो नरेंद्र खुद कर रहे थे, इसलिए उन्होंने अपने अध्यापक के सामने ये स्वीकारा कि मुझसे गलती हुई है, ये दंड मुझे भी मिलना चाहिए। जैसे दूसरे बच्चों को कक्षा में ध्यान न देने का दंड मिल रहा है, उसी तरह से मुझे भी इसका दंड मिलना चाहिए। बचपन में उनकी माता भुवनेश्वरी देवी का उन पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा और उनकी माँ रामायण महाभारत ये सब की किस्से कहानियां सुनाती थी और इतना उनके ऊपर इस चीज का धार्मिक प्रभाव पड़ा कि वो इन सभी चीजों को अपने जीवन में अपनाने लगे। वो उन्हें मतलब उनके पिताजी एक वकील थे उच्च न्यायालय में और जिससे अंग्रेजी भाषा जो थी उनके लिए वो विरासत में मिली। अंग्रेजी भाषा का भी उन्हें अच्छा ज्ञान था और ग्रंथ महान मतलब जितने ग्रंथ जो हुए महान ग्रंथ सब जो है उनको ऐसी मुंह जवानी याद हो गई थी, बार बार सुनने के कारण उनको ग्रंथ जितने थे जो उनकी माता उनको सुनाती थी, माता उनकी जो सुनाती थी उनको वो उनको याद हो चुके थे। एक बार भारत के तरफ से प्रतिनिधित्व करने के लिए धार्मिक सम्मेलन था, जिस सम्मेलन में अमेरिका गए, अमेरिका के शिकागो शहर में स्वामी विवेकानंद जी गए, जिन्होंने वहां पे जाकर के स्वामी विवेकानंद जी ने वहां पे जाकर के अपने भाषण में भाइयों और बहनों से जब वहां के नागरिकों को संबोधन किया तो वहां पे तालियां गूंज उठी। उन्होंने अपने कार्यों और विचारों से भारत का नाम रोशन किया और विदेश में एक बार ऐसे वो भ्रमण जब कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे तालाब में अंडे के छिलकों पर निशाना लगा रहे हैं, जो तैर रहे थे अंडे के छिलके उस पर निशाना लगा रहे हैं परंतु किसी का निशाना सही नहीं लग रहा है। तो उन्होंने भी उन बच्चों के साथ जाकर के उस अंडे के छिलके पे निशाने लगाने की कोशिश की और उनके सारे निशाने सही लगे। तो उन बच्चों ने उत्सुकता से उनके निशाने सही कैसे लग रहे हैं इसके बारे में उनसे पूछा तो उन्होंने बहुत अच्छे से बच्चों को समझाया और कहा कि अगर हम अपना कोई भी काम ध्यान से करें, मन से करें और ध्यान मग्न होकर के करें तो हमारा कोई भी काम असफल नहीं होता, हमको सभी काम में सफलता मिलती है। और उन्होंने अंत में ये संदेश दिया है कि उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक मंजिल की प्राप्ति ना हो जाए। इंसान को उस समय तक कोशिश करती रहनी चाहिए जब तक कि कार्य में सफलता ना मिल जाए, अपने कोशिश को छोड़ना नहीं चाहिए। इसीलिए बच्चों आप लोग को भी इस पाठ से यही शिक्षा मिलनी चाहिए, ये पाठ से आपको यही शिक्षा मिलती है कि आप लोग हमेशा कोशिश करते रहें जब तक कि आपका काम पूरा ना हो जाए। जीवन में किसी काम को अधूरा छोड़ने की कोशिश ना करें, उसको पूर्ण करने की कोशिश करें। फिर है अभ्यास। अभ्यास में सबसे पहले है शब्द अर्थ। क्या है शब्द अर्थ? शब्द अर्थ में सबसे पहला शब्द है भिक्षुक, भिक्षा मांगने वाला। फिर है हठ, हठ यानी कि जिद। फिर श्रोता, सुनने वाला। अध्यापक यानी कि शिक्षक, सहपाठी। साथ में पढ़ने वाला। कुशाग्र यानी तेज। बहुमुखी, अनेक विषय रुचि आदि में प्रयोग होने वाली। प्रतिभा यानी कि समझ और बुद्धि। वक्ता, बोलने वाला। संदेश, प्रेरणा या उपदेश देने वाला विचार, उसी को संदेश कहा जाता है। उसके बाद है मुहावरा। दंग रह जाना, अत्यधिक चकित होना। दंग रह जाने का अर्थ है अत्यधिक चकित होना। फिर है श्रुतिलेख। बच्चों श्रुतिलेख को आप वर्तनी के रूप में लिखेंगे, एक एक शब्द को कम से कम दो दो बार लिखेंगे और उच्चारण के साथ लिखेंगे जिससे आपकी वर्तनी और उच्चारण दोनों ही सही हो जाए, शुद्ध हो जाए। सबसे पहला शब्द है नरेंद्र, भिक्षुक, श्रोता, भुवनेश्वरी, कुशाग्र, नेतृत्व, शिकागो, संस्कृति। इन सभी शब्दों को आप लोगों को लिखना है और इन शब्दों के अलावा भी जो पाठ में कठिन शब्द आए हुए हैं उन शब्दों को भी आप चुन करके शुद्ध उच्चारण के साथ अपने कॉपी में लिखेंगे। वर्तनी के रूप में सभी शब्दों को लिखना है। फिर है मौखिक। फिर मौखिक प्रश्न उत्तर करेंगे। मौखिक
मौखिक में सबसे पहला प्रश्न है, केशव क्यों क्या हट कर रहा था, केशव क्या हट कर रहा था? केशव नरेंद्र से चतुर भिक्षु की कहानी सुनने की हट कर रहा था। केशव क्या हट कर रहा था? चतुर भिक्षु की कहानी सुनने की हट कर रहा था। अध्यापक ने प्रश्नों के उत्तर किस अध्यापक के प्रश्नों के उत्तर किसने दिए? अध्यापक के प्रश्नों के उत्तर नरेंद्र ने दिए। किसने दिए? अध्यापक के प्रश्नों के उत्तर नरेंद्र ने दिए। लड़के क्या कर रहे थे? लड़के स्वामी लड़के श्रोता बनके नरेंद्र से कहानी सुनने में मग्न थे। लड़का श्रोता बनके नरेंद्र से कहानी सुनने में मग्न थे। फिर स्वामी विवेकानंद ने भारत का मान कैसे बढ़ाया? स्वामी विवेकानंद ने अपने कार्यों और विचारों से विश्व में भारत का मान बढ़ाया। फिर दूसरा आ जाता है लिखित, फिर आ जाता है लिखित। छात्रों को दंड क्यों दिया गया? छात्रों को क्यों दंड दिया गया? छात्र कक्षा में बातें कर रहे थे इसलिए उन्हें दंड दिया गया। वो अध्यापक की बातों को नहीं सुन रहे थे और उनकी अवहेलना करके वो आपस में बातें कर रहे थे, कहानी सुन रहे थे, इसलिए उन लोगों को दंड मिला। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब और कहाँ हुआ? स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को मकर संक्रांति के दिन कोलकाता में हुआ। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को मकर संक्रांति के दिन कोलकाता में हुआ। फिर आपका प्रश्न है दूसरा, इसके बाद आपका प्रश्न आता है शिकागो की सभा में तालियां क्यों गूंज उठी? विवेकानंद ने जब अपने भाषण के संबोधन में भाइयों और बहनों कहा तो यह सुनकर सभा में तालियां गूंज उठी। जब उन्होंने सबका संबोधन भाइयों और बहनों करके किया तो कक्षा में सभा में तालियां गूंज उठी। सफलता कब मिलती है? सफलता कब मिलती है? अपना पूरा ध्यान काम पे लगाने से सफलता मिलती है। जब हम कोई भी काम पूरे ध्यान से करते हैं तो हमें सफलता उस कार्य में अवश्य मिलती है। पाठ के अनुसार वाक्यों का क्रम बनाओ कि पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ। पाठ के अनुसार क्रम बनाना है, कुछ वाक्य दिए हुए हैं, इनको क्रमबद्ध करके लिखना है कि पहले कौन सी घटना घटी फिर क्या घटना हुई। ये करके सबसे पहले क्या हुआ? केशव ने कहानी सुनाने की हट की सबसे पहले। फिर है श्रोता सपाटी कहानी सुनने में मग्न हो गए। फिर उसके बाद अध्यापक ने सबसे प्रश्न पूछे। फिर स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में भाषण दिया। फिर कुछ लड़के अंडों के छिलकों पर निशाना लगा रहे थे। फिर उनका संदेश था उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए। फिर दूसरा है सही शब्द लिखकर वाक्य पूरे करो। ये खालिस्तान है, इन खालिस्तानियों में सही शब्द को लिख करके वाक्य पूरे करना है। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र था। नरेंद्र पर माता का विशेष प्रभाव पड़ा। उन्होंने शिकागो शहर में भाषण दिया। उनके भाषण की चर्चा पूरे अमेरिका में हुई। विवेकानंद जी ने अपने कार्यों और विचारों से विश्व में भारत का नाम रोशन किया। ये सभी को आप अपने बुक में सबसे पहले लिख लोगे। फिर श्रोता, सुनने वाला, अध्यापक यानी कि शिक्षक, सहपाठी, साथ में पढ़ने वाला, कुशाग्र यानी तेज, बहुमुखी, अनेक विषय रुचि आदि में प्रयोग होने वाली प्रतिभा यानी कि समझ और बुद्धि, वक्ता, बोलने वाला, संदेश, प्रेरणा या उपदेश देने वाला विचार, उसी को संदेश कहा जाता है। उसके बाद है मुहावरा, दंग रह जाना, अत्यधिक चकित होना। दंग रह जाने का अर्थ है अत्यधिक चकित होना। फिर है श्रुतिलेख। बच्चों, श्रुतिलेख को आप वर्तनी के रूप में लिखेंगे, एक एक शब्द को कम से कम दो दो बार लिखेंगे और उच्चारण के साथ लिखेंगे जिससे आपकी वर्तनी और उच्चारण दोनों ही सही हो जाए, शुद्ध हो जाए। सबसे पहला शब्द है नरेंद्र, भिक्षुक, श्रोता, भुवनेश्वरी, कुशाग्र, नेतृत्व, शिकागो,
संस्कृति, इन सभी शब्दों को आप लोगों को लिखना है। और इन शब्दों के अलावा भी है, जो पाठ में कठिन शब्द आए हुए हैं उन शब्दों को भी आप चुन करके शुद्ध उच्चारण के साथ अपने कॉपी में लिखेंगे। वर्तनी के रूप में सभी शब्दों को लिखना है। फिर है मौखिक, फिर मौखिक प्रश्न उत्तर करेंगे। मौखिक मौखिक में सबसे पहला प्रश्न है, केशव क्यों क्या हट कर रहा था, केशव क्या हट कर रहा था। केशव नरेंद्र से चतुर भिक्षुक की कहानी सुनने की हट कर रहा था। केशव क्या हट कर रहा था, चतुर भिक्षुक की कहानी सुनने की हट कर रहा था। अध्यापक ने प्रश्नों के उत्तर किस, अध्यापक के प्रश्नों के उत्तर किसने दिए, अध्यापक के प्रश्नों के उत्तर नरेंद्र ने दिए। किसने दिए, अध्यापक के प्रश्नों के उत्तर नरेंद्र ने दिए। लड़के क्या कर रहे थे, लड़के स्वामी लड़के श्रोता बन के नरेंद्र से कहानी सुनने में मग्न थे। लड़का श्रोता बन के नरेंद्र से कहानी सुनने में मग्न थे। फिर स्वामी विवेकानंद ने भारत का मान कैसे बढ़ाया, स्वामी विवेकानंद ने अपने कार्यों और विचारों से विश्व में भारत का मान बढ़ाया। फिर दूसरा आ जाता है लिखित, फिर आ जाता है लिखित। छात्रों को दंड क्यों दिया गया, छात्रों को क्यों दंड दिया गया, छात्र कक्षा में बातें कर रहे थे इसलिए उन्हें दंड दिया गया। वो अध्यापक की बातों को नहीं सुन रहे थे और उनकी अवहेलना करके वो आपस में बातें कर रहे थे, कहानी सुन रहे थे इसलिए उन लोगों को दंड मिला। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब और कहाँ हुआ, स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को मकर संक्रांति के दिन कोलकाता में हुआ। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को मकर संक्रांति के दिन कोलकाता में हुआ। फिर आपका प्रश्न है दूसरा, इसके बाद आपका प्रश्न आता है, शिकागो की सभा में तालियां क्यों गूंज उठी। विवेकानंद ने जब अपने भाषण के संबोधन में भाइयों और बहनों कहा तो यह सुनकर सभा में तालियां गूंज उठी। जब उन्होंने सबका संबोधन भाइयों और बहनों करके किया तो कक्षा में सभा में तालियां गूंज उठी। सफलता कब मिलती है, सफलता कब मिलती है, अपना पूरा ध्यान काम पे लगाने से सफलता मिलती है। जब हम कोई भी काम पूरे ध्यान से करते हैं तो हमें सफलता उस कार्य में अवश्य मिलती है। पाठ के अनुसार वाक्यों का क्रम बनाओ कि पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ। पाठ के अनुसार क्रम बनाना है, कुछ वाक्य दिए हुए हैं इनको क्रमबद्ध करके लिखना है कि पहले कौन सी घटना घटी फिर क्या घटना हुई। ये करके सबसे पहले क्या हुआ, केशव ने कहानी सुनाने की हट की सबसे पहले। फिर है श्रोता सपाटी कहानी सुनने में मग्न हो गए। फिर उसके बाद अध्यापक ने सबसे प्रश्न पूछे। फिर स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में भाषण दिया। फिर कुछ लड़के अंडों के छिलकों पर निशाना लगा रहे थे। फिर उनका संदेश था, उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए। फिर दूसरा है, सही शब्द लिखकर वाक्य पूरे करो। ये खालिस्तान है, इन खालिस्तानियों में सही शब्द को लिख करके वाक्य पूरे करना है। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र था। नरेंद्र पर माता का विशेष प्रभाव पड़ा। उन्होंने शिकागो शहर में भाषण दिया। उनके भाषण की चर्चा पूरे अमेरिका में हुई। विवेकानंद जी ने अपने कार्यों और विचारों से विश्व में भारत का नाम रोशन किया। ये सभी को आप अपने बुक में सबसे पहले लिख लोगे। सोच कर लिखो, जीवन में सफल होने के लिए कौन कौन से गुण आवश्यक है। सबसे पहले पाठ के हिसाब से आप बच्चों, और इसे आपको स्वयं लिखना है, जो भी आता है सोच के लिखो पाठ में, उसको आप खुद से लिखने की कोशिश करें। हम मैं सिर्फ आपसे चर्चा करूंगी इस विषय में और आपको खुद से लिखना है। कम से कम 5 वाक्य लिखो तब आप लिखना सीख पाओगे। जीवन में सफल होने के लिए कौन कौन से गुण आवश्यक है। जीवन में सफल होने के लिए 3-4 गुण आवश्यक है। सबसे पहले इंसान को सच्चा होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए।
सफल होने के लिए आपको ईमानदार होना चाहिए। आप जो काम कर रहे हैं उस कार्य में आपको अपना पूर्ण समर्पण करना चाहिए, उस कार्य के प्रति आपको पूर्ण समर्पण करना चाहिए, यानी कि आप पूर्ण रूप से उस कार्य के लिए समर्पित हो। समर्पित कैसे हो सकते हैं? आप पूरे मग्न लगन के साथ मग्न होकर के उस काम को करें, पूरे लगन के साथ मग्न होकर के एकाग्रचित होकर के उस कार्य को करेंगे, तभी आपको उस कार्य में सफलता मिलेगी। फिर है भाषा से समझो और लिखो। आने वाला ये दो शब्द अलग अलग हैं, दोनों को जोड़ करके एक शब्द बनाया गया है। जैसे आने जोड़ वाला आने वाला, बोलने जोड़ वाला बोलने वाला, बहु जोड़ मुखी बहुमुखी, बुद्धि जोड़ हीन बुद्धिहीन। फिर है देश जोड़ भक्त, यानी कि देश भक्त, न्याय जोड़ प्रिय न्याय प्रिय। इसी तरह से आपको लिखना है। सभी शब्दों को पहले अपने आप किताब में लिख लोगे, उसके बाद उसको कॉपी में लिखना है, और जितने बार भी आप जो भी लिख रहे हैं प्रश्न, जो भी प्रश्न कर रहे हैं, सभी को बोल बोल करके ही लिखना है उत्तर। आपको नीचे लिखे शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखो। सबसे पहला शब्द है विदेश स्वदेश, प्रश्न उत्तर, धर्म अधर्म, वक्ता श्रोता, सफल असफल, देशभक्त यानी देशद्रोही, उसका विपरीतार्थक शब्द हुआ। देशभक्त का विपरीतार्थक शब्द देशद्रोही। फिर है उदाहरण के अनुसार वर्ण विच्छेद करो। बच्चों वर्ण विच्छेद करो दिया है। वर्ण विच्छेद यानी कि वर्णों को तोड़ के लिखो या वर्णों को अलग करके लिखो। आप वर्णों को कैसे अलग करके लिखोगे? जैसे कि कोई भी वर्ण जो लिखा हुआ है, जैसे भिक्षुक लिखा हुआ है, इन ये शब्द जो लिखा हुआ है, ये शब्द जो भिक्षुक लिखा है, इसमें किन किन वर्णों का प्रयोग किया गया है, उन वर्णों में कौन कौन सा स्वर और व्यंजन आया है, कौन कौन सा स्वर और व्यंजन आया है, उन स्वर और व्यंजनों को अलग अलग करके लिखना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। शब्दों में आए वर्णों के स्वर और व्यंजन को अलग अलग करके लिखना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे भिक्षुक, ये हलंत है, भ के नीचे दिया हुआ पाई जो है वो हलंत है, ये हलंत यानी कि भ आधा है, इसमें स्वर क्या है, हर्षई, छोटी ई की मात्रा, जिसे छोटी ई की मात्रा भी कहते हैं, हर्षई। फिर क हलंत यानी कि क के साथ छ, ये संयुक्त अक्षर है, क और श दोनों अक्षरों को मिला के छ बनता है, क और श दोनों को अक्षर को मिला के छ बनता है, क और श को मिलाकर के संयुक्त अक्षर छ बनता है। आधा क आधा श और उस पे मात्रा क्या दी हुई है, हर्षऊ की मात्रा यानी कि छोटी ऊ की मात्रा। फिर क, क पे क वर्ण पे क्या मात्रा है, उसका स्वर क्या है उसके साथ, अ, आधा क और फिर अ, ये आपका वर्ण विच्छेद अलग अलग करके लिखना है। इसी तरह से है प्रतिभा, प्र, प के साथ किसका उच्चारण कर रहे हैं हम लोग, प्र का उच्चारण। आप बच्चों उच्चारण बहुत जरूरी है, आप उच्चारण शुद्ध करके लिखोगे तो आप खुद आपको अनुभव होगा कि कौन सी ध्वनि निकल रही है, जब जिस वर्ण का हम उच्चारण कर रहे हैं उस वर्ण में कौन सी ध्वनि निकल रही है, आपको इसका ज्ञान होगा और आप उसको विच्छेद आराम से कर पाओगे, अलग करके उसको लिख पाओगे। प्रतिभा, ये प्र, प के साथ र का भी उच्चारण हो रहा है, र, प्र में र, र के साथ अ का उच्चारण हो रहा है, यानी कि आधा प र भी आधा उसके साथ अ। टी, टॉपे हर्षई, भा, भ पे हलंत और उसके साथ मात्रा, स्वर क्या है, आ। इसी तरह से श्रोता, श्र, श्र संयुक्त अक्षर है, तालबेश्य और र को मिलाकर के श्र बना है, संयुक्त अक्षर श्र है, श्र पे स्वर क्या है, ओ, श्र के साथ ओ स्वर, फिर ता, त हलंत और ओ स्वर क्या है इसके साथ, आ। फिर कुशाग्र, फिर आपका शब्द है कुशाग्र, आधा क, क पे स्वर है छोटी उ, तालबेश आ, स के साथ आ
स्वर है ग्र, ग्र, र का उच्चारण हो रहा है, आधा ग र, र के साथ अ का उच्चारण हो रहा है। इस तरह से वर्णों का इसमें जितना शुद्ध उच्चारण करोगे बच्चों आप, उतना शुद्ध सही तरीके से आप इसको लिख पाओगे कि स्वर कौन कौन से आ रहे हैं और व्यंजन क्या आ रहे हैं। देखो बुक में दिया भी हुआ है काफी अच्छे से, हमारे वर्णमाला में 11 स्वर हैं। स्वर को बोलने या लिखते समय किसी दूसरे वर्ण की जरूरत नहीं होती। स्वर को बोलने या लिखने का, स्वर को, व्यंजन को नहीं बेटा, स्वर को याद रखना, स्वर को बोलने या लिखने लिखते समय किसी दूसरे वर्ण की जरूरत नहीं होती है। व्यंजन को बोलने के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है। व्यंजन अकेले नहीं बोला जाता है, स्वर सिर्फ आप स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं, पर व्यंजन को स्वतंत्र रूप से आप नहीं बोल सकते हैं, उसको बोलने के लिए आपको स्वरों की आवश्यकता होती है। और वर्ण विच्छेद करते समय व्यंजन से स्वर को अलग कर दिया जाता है, वर्णों व्यंजन से स्वर को अलग कर दिया था जब वर्ण विच्छेद करते हैं, तो इसीलिए हम लोगों ने व्यंजन से स्वर को अलग कर करके लिखा है। बच्चों व्यंजन स्वर क्या है, स्वर आपका अ से अ तक है, अ आ हर्षई दृगय हर्षऊ दृगऊ, ये सारा आपका स्वर है। और व्यंजन क्या है, क ख ग ग, क से लेके श्र तक आपका व्यंजन है। तो व्यंजन को बोलने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ती है, स्वर की। और स्वर जो होता है वो स्वतंत्र रूप से उच्चारण किया जाता है, स्वतंत्र रूप से उसको बोला जाता है। सर्वनाम फिर क्या है, स्वरनाम। तुम भी जानते हो कि नाम शब्द संज्ञा कहलाते हैं और संज्ञा की जगह प्रयोग किए जाने वाले सब स्वरनाम कहलाते हैं। संज्ञा आप पढ़ चुके हैं, संज्ञा नाम शब्द को ही संज्ञा कहा जाता है। किसी के नाम हो, किसी का स्थान, जगह, वस्तु, किसी का भी नाम हो उसको संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के स्थान पे जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसको सर्वनाम कहा जाता है। हम बार बार संज्ञा का प्रयोग नहीं करके सर्वनाम का वाक्य में प्रयोग करते हैं, खास करके जब हम निबंध लिखते हैं तो बार बार हम एक ही शब्द का प्रयोग ना करके सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे पहला वाक्य है, यहाँ प्रश्न है पहला, यहाँ वाक्यों में आए संज्ञा और सर्वनाम शब्द अलग अलग करके सही जगह पे लिखो। पहला वाक्य है, वे अमेरिका गए, इसमें संज्ञा क्या है, अमेरिका, नाम है, शहर का नाम है, देश का नाम है, और सर्वनाम क्या है, वे। कहानी मैं सुना रहा था, संज्ञा क्या है, कहानी, और सर्वनाम क्या है, मैं। सर्वनाम, तुम भी जानते हो कि नाम शब्द संज्ञा कहलाते हैं और संज्ञा की जगह प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। बच्चों संज्ञा के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं, संज्ञा नाम शब्द को ही कहा जाता है, चाहे वो किसी वस्तु का नाम हो, चाहे जगह का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, नाम शब्द को ही संज्ञा कहा जाता है। और संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहा जाता है, संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहा जाता है। जैसे खास करके हम जब निबंध लिखते हैं तो बार बार एक ही नाम को दोहरा कर ना दोहरा करके उसकी जगह पे हम संज्ञा सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं, संज्ञा शब्द की जगह पे सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं, खासकर ये चीज निबंध में हम लोग को देखने को मिलता है। प्रश्न है, यहाँ वाक्यों में आए संज्ञा और सर्वनाम शब्द अलग करके सही जगह पर लिखो। सबसे पहला वाक्य है, वे अमेरिका गए, इसमें संज्ञा शब्द है अमेरिका और सर्वनाम शब्द है वे, सर्वनाम शब्द है वे। यहाँ पे किसी व्यक्ति का नाम ना लिख करके वे का संबोधन किया गया है उस व्यक्ति के नाम की जगह पर। कहानी मैं सुना रहा था, कहानी संज्ञा है, मैं यहाँ पे फिर मैं किसी व्यक्ति का नाम होना चाहिए, मैं की जगह पे संज्ञा की जगह पे या नाम की जगह पे मैं शब्द का प्रयोग किया गया जो कि सर्वनाम कहलाएगा। उसे संदेश मिला, संदेश संज्ञा और उसे, यहाँ व्यक्ति का नाम होना चाहिए उसे, किसी भी व्यक्ति का नाम होना चाहिए, उस व्यक्ति का नाम ना लिख करके यहाँ पे उसे लिखा गया तो ये क्या हो जाएगा, सर्वनाम। फिर उन्होंने विश्व का भ्रमण किया, विश्व
संज्ञा और उन्होंने, क्या है उन्होंने, यहाँ पे व्यक्ति उन्होंने, व्यक्ति का नाम होना चाहिए उन्होंने, तो इसका व्यक्ति का नाम ना प्रयोग करके यहाँ पर उन्होंने शब्द दिया है, लिखा है, इसीलिए क्या हो जाएगा ये उन्होंने सर्वनाम हो जाएगा। फिर प्रश्न है, रंगीन शब्दों के लिए लिंग बदलकर वाक्य दोबारा लिखो। रंगीन शब्दों के लिए लिंग बदलकर वाक्य दोबारा लिखो। यहाँ पे रंगीन, एक एक वाक्य में रंगीन शब्द दिए हुए हैं, जैसे लेखक रंगीन शब्द में लिखा हुआ है, लाल रंग से लिखा है, लेखक ने अच्छी पुस्तक लिखी है। लिंग बदलना है, लिंग अगर वो स्त्रीलिंग है तो उसको पुलिंग करना है, अगर पुलिंग है तो स्त्रीलिंग करना है। लेखक क्या है बच्चों, पुलिंग है, तो पुलिंग को स्त्रीलिंग करके लिखेंगे, लेखक का, लेखिका ने अच्छी पुस्तक लिखी है। फिर हो जाएगा दूसरा प्रश्न है, अध्यापक ने कक्षा में सबको शांत कराया। अध्यापक यानी कि ये पुलिंग हो गया, तो इसका स्त्रीलिंग शब्द क्या है, अध्यापिका ने कक्षा में सबको शांत कराया। फिर वाक्य है, सहपाठी कहानी सुनने की जिद कर रहा था। सहपाठी लिंग क्या है, पुलिंग है, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, सहपाठी कहानी सुनने की जिद कर रही थी। इस तरह से आपको लिंग बदल करके वाक्यों को दोबारा से लिखना है।